हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एडिशन ऑफ बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग। हम इस सीरीज के थ्रू वेरियस क्वेश्चंस देख रहे हैं जो गेट पेपर में आए हुए हैं। सो लेट्स सी आज का क्वेश्चन क्या है। सो दिस क्वेश्चन हैव अपीयर्ड इन द लाइफ साइंस पेपर 2018 ऑफ फूड टेक्नोलॉजी के अंडर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20। लेट्स सी व्हाट द क्वेश्चन सेज। The rate of heat transfer per unit area from a metal plate is 1000 watt per meter square. The surface temperature of the plate, जो metal plate है उसका surface temperature दिया हुआ है as 120 degree centigrade. और जो environment है उसके surrounding में that is at 20 degree centigrade. तो पूछ रहा है the convective heat transfer coefficient watt per meter square per centigrade using the Newton's law of cooling will be. ओके, सो आपको वैल्यूज क्या क्या दी हुई हैं, पहले उससे पहले हम बात कर लेते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की। सो जब भी हम बात करते हैं कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर, वहाँ पे क्या होता है, लेट्स से कोई लिक्विड की बात करें, कोई लिक्विड कैसे हीट होगा। सो लेट्स से कोई भगोनी आपने चढ़ाई है गैस पे। ओके, सो अब वो जब लिक्विड हीट होगा बॉटम से और जो मेटल के जस्ट कॉन्टैक्ट में होगा, नियर बाई इन द विसिनिटी ऑफ द मेटल एट द बेस, वहाँ पे हीट होके लिक्विड लोअर डेंसिटी का होगा एंड इट विल मूव अप। और फिर जो कोल्डर लिक्विड होगा दैट विल कम डाउन एट द बॉटम। और इस तरीके से कन्वेक्टिव फ्लो होता है हीट का और कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर। दो ये फिनोमिनन खुद में तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, पर इट इज़ गिवन बाय अ सिंपल फार्मूला विच इज़ द न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ठीक है, ये फार्मूला क्या कहता है कि द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इज गिवन बाय the temperature difference between the environment and the body. ठीक है, सो अगर हम इसे एक प्रॉपर साइंटिफिक डेफिनेशन के टर्म्स में बात करें तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग स्टेट्स दैट द हीट फ्लक्स डेंसिटी, मैं आपको बताऊंगा ये क्या होता है हीट फ्लक्स डेंसिटी, विच इज रिप्रेजेंटेड एज क्यू। ये क्यू से रिप्रेजेंट होता है हीट फ्लक्स डेंसिटी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर डिफरेंस के। तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस उतना ज़्यादा आपका हीट ट्रांसफर रेट होगा। ठीक है, रेट। ठीक है, सो अगर हम बात करें व्हाट इज हीट फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स का मतलब जैसे पर यूनिट एरिया वहाँ से कितनी और कितनी एनर्जी लिबरेट हो रही है और कितनी रेडिएट हो रही है, या फिर इस पर यूनिट एरिया में कितनी एनर्जी है। ओके, सो इसको हम फ्लक्स कहते हैं। तो सेम वे क्यू, यहाँ पे आपको क्या दिया, वॉट पर मीटर स्क्वायर, मतलब कि पर यूनिट ऑफ एरिया कितने वॉट एनर्जी लिबरेट हो रही है। ओके, सो अगर हम बात करें ये वॉट की, वॉट इज अ यूनिट ऑफ पावर, पावर का मतलब एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम, और सिंपल वर्ड्स में ऐसा यूनिट में बात करें तो वॉट, वन वॉट इज इक्वल टू वन जूल पर सेकेंड। ये होता है, तो हमें उससे मतलब नहीं है, हमें मतलब है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से। तो अगर हमें इसी को रिलेट करना चाहूँ या फिर इसे इक्विवेलेंट लिखना चाहूँ तो द फॉर्मूला बिकम्स क्यू इक्वल टू एच डेल्टा टी। क्यू है आपकी हीट फ्लक्स डेंसिटी, लोकल हीट फ्लक्स डेंसिटी, एच है हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट जो हमें निकालना है, जो आपसे पूछ रहा है द कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट व्हाट पर मीटर स्क्वायर पर डिग्री सेंटीग्रेड। जो यहाँ पे आपका टेम्परेचर होता है उसको जनरली हम केल्विन में लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इन्होंने कैसे चालाकी की है, चालाकी क्या, इफ़ सपोज़ इफ़ यू डिडेंट न्यू द फॉर्मूला, तो हमेशा यूनिट का ध्यान रखिएगा कि डिग्री सेंटीग्रेड में बोल रहा है। ओके, तो आपको इसे 273 ऐड नहीं करना था। ठीक है, चलेगा। सो इफ़ सपोज़ आपको अगर एरिया भी दे दिया होता साथ में तो क्या करना पड़ता, इफ़ यू हैड बीन गिवन द क्यू और आपको साथ में एरिया भी दे दिया होता, तो आप यहाँ पे सिंपल से फॉर्मूला में एक मॉडिफिकेशन ये कर दें कि यहाँ पे एक एरिया भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि आपको क्या चाहिए, यू नीड पर यूनिट एरिया, आपको पर यूनिट एरिया चाहिए। ठीक है, तो ये बात हो जाती है, या फिर सिंपल अनफ आप क्यू बाई ए कर सकते थे। ओके, सो होप सो आपको ये बात समझ में आई होगी। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज़ होना है।
ओके तो यहाँ पे जो क्यू होता है इट्स यूनिट इज, इसकी यूनिट क्या होती है, इट्स यूनिट इज कि कितनी द पावर और वॉट पर यूनिट एरिया, ओके वॉट पर मीटर स्क्वायर। ओके आपका टेम्परेचर जनरली केल्विन में नापा जाता है तो इट्स इन केल्विन, और जो एच होता है उसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, अब इन दोनों को यहाँ पे ले क्यू डेल्टा टी और वॉट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन, पर यहाँ पे आपको केल्विन की जगह क्या दिया है, पर डिग्री सेंटीग्रेड, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो वो कन्वर्ट कर सकते हैं, ओके ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करके देखते हैं, 120 डिग्री सेंटीग्रेड और 20 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस करेंगे तो डेल्टा टी कितना आ रहा है, डेल्टा का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, या फिर जो भी बॉडी है आपकी हायर टेम्परेचर पे उसको लिखिए यहाँ पे 120 माइनस 20, 120 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 20, और दोनों डिग्री सेंटीग्रेड में है, विच इज यहाँ पे डेल्टा टी आपका निकल के आ रहा है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके। उसके बाद हम बात करें क्यू की वैल्यू, क्यू की वैल्यू आपकी दी हुई है एज इट इज, तो यहाँ पे कोई यूनिट कन्वर्जन नहीं करना है, और आप देख सकते हैं कि कैसे कैंसल आउट होगा, यहाँ पे आपको यही यूनिट मिलेगी, ओके। तो वैल्यूज रखते हैं, क्यू की वैल्यू है हमारी 1000, एच आपको निकालना था और टी आपका आया है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, वॉट पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, और डिग्री सेंटीग्रेड जब नीचे जाएगा तो पर डिग्री सेंटीग्रेड में बदल जाएगा, ठीक है। और देखिए कैसे वैल्यू आपकी आ गई, एच इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1000 अपॉन 100 वॉट पर मीटर स्क्वायर पर डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स, ठीक है, या फिर इसकी वैल्यू कितनी आ गई 10, ये आपका आंसर आ गया। सो दिस न्यूमेरिकल वाज सो सिंपल, देखने में इसकी लैंग्वेज या स्टेटमेंट कितना बढ़िया है, और आप देख सकते हैं ये कितना ही सिंपल था, ओके। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का फॉर्मूला, और इसमें एक बात ये ध्यान रखनी है, व्हेन यू अप्लाई दिस फॉर्मूला यहाँ पे कुछ अजम्पशंस हैं, अजम्पशंस सच एज कि जो टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए दैट मस्ट नॉट बी टू लार्ज, ओके। पर यहाँ पे आपको बोला ही है कि आपको यही फॉर्मूला अप्लाई करना था, तो यू शुड नो दिस फॉर्मूला। और दूसरी बात आपको ये होना ये पता होना चाहिए कि जो टेम्परेचर के साथ आपकी जो रेडिएटिंग बॉडी है, जो जो हीट रेडिएट कर रही है उसका उसका जो सरफेस है, इट शुड नॉट चेंज, ओके इट शुड नॉट चेंज, ओके। सो होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी एंड यू हैव लर्न समथिंग, तो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी विथ सो पेशेंस, और हम नेक्स्ट एडिशन में मिलेंगे, ओके।